तुझे हमारे मुन्ना के बच्चे की परवरिश की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने बेटे की परवरिश पे ध्यान दे। खुशी के मौके पे कैसा मनहूस बन के घूर रहा है। अरे मनोरमा जी, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी सौतेली बहू और उसके बच्चे को वादा करके आई है ना कि जिंदगी भर उनका ख्याल रखेंगी। जाइए, रखिए ना। वैसे तो कहती हैं कि आप वही करेंगी जो मेरी मर्जी का होगा, लेकिन जब सब तेरी मर्जी का होगा अंगद। गलती हो गई मुझसे बेटा, जो तुमसे पूछे बिना मैंने नियति को वादा किया। I'm sorry। वो बच्चा होने की खुशी में मैं सगे बेटे को भूल गई आप, है ना? कमाल है, थकती नहीं है आप मुझे इग्नोर करके। नहीं अंगद, तुझे इग्नोर कैसे करूंगी बेटा। और रही बात उस बच्चे की, तो वो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। देख, मैंने जो नियति से वादा किया है ना, वो प्लीज मुझे निभाने दे। मैं पहली बार दादी बन रही हूँ बेटा। 30 लाख और चाहिए मुझे कल तक। हाँ, मैं अभी ट्रांसफर कर दूंगी। मैंने कहा 30 लाख और, मतलब इन टोटल 60 लाख रुपए चाहिए मुझे। 60 लाख? तुमने तो 30 लाख की बात की थी ना। अब 30 लाख रुपए के लिए आप मुझसे सवाल कर रही हैं? मेरी सगी माँ होती तो मुझसे सवाल करती क्या? इसलिए मैं आपको माँ नहीं बुलाता। आप सही में अगर खुद को मेरी माँ मानती हैं तो 2 मिनट में पैसे ट्रांसफर कर देती। मैं कहाँ सवाल कर रही हूँ तुमसे अंगद। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था बेटा। मैं अभी अभी 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन तुम मुझे नियति का ख्याल रखने दोगे ना, प्लीज? हाँ, तो मैंने कौन सा हाथ रोका है आपका? जो करना है करो। देख अंगद, बात सुनना। एक बार ये बच्चा घर में आ जाएगा ना, तो देखना सारे बैर खत्म हो जाएंगे। बस इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और तू जब चाचा बनेगा ना, तो तू अपने भतीजे या भतीजे से दूर रह ही नहीं पाएगा। वो तुझे इतना प्यार करेगा और तू भी उससे इतना प्यार करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अंगद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। मनोरमा जी, आपको मैनिपुलेट करना कितना आसान है। अब देखो मैं आगे आपसे क्या क्या करवाता हूं। बनने वाले हो, लेकिन रहोगे जो करी। कभी तो बीवी का फोन उठा लिया करो, फिर कहोगे अरे मिस जजमेंटल, मैं ड्राइव कर रहा था। अरे नियति, मेरा फोन साइलेंट पे था मेरी जान। ले भाई, ले आ तेरा सारा सामान। चेक करना है? रूम में रख दे, वहीं चेक कर लूंगा। और सुन, कुछ टूटना नहीं चाहिए। डोंट वरी, कुछ नहीं टूटेगा। अब वैसे ऐसा कहते हैं कि हंसना चाहिए, वो क्या ना फेशियल मसल्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। हंस लिया कर। मुझे आज तक हंसने की वजह नहीं मिली, लेकिन अब तुझे खुश होने की और मुस्कुराने की वजह मिलने वाली है। खुश होने की वजह मतलब? ये घर की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। क्या? बाप बनने वाला है तू। अरे
बाप बनने वाला हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मेरी लाइफ की बेस्ट न्यूज देने के लिए। अरे मैं बाप बनने वाला हूँ यार, अरे मैं बाप बनने वाला हूँ। चल हाँ दे, मैं कब से वेट कर रही हूँ गुड न्यूज देने के लिए, और इन जनाब को पता भी चल गया, और वो भी ऐसे। माँ। हाँ मुन्ना। माँ माँ माँ, अंकित ने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट न्यूज दी है, मैं पापा बनने वाला हूँ। सच है ना मुन्ना, तू पापा बनने वाला है। क्या बात है। अरे अंगद, तुम तो मेरे लिए सबसे लकी निकले यार, थैंक यू। अरे माँ, आप दादी बनने वाली हो, ये मुन्ना। बस साथ मैंने हॉल, उसके बाद हमारे घर में प्यारा सा खिलौना आएगा, और फिर उसके बाद मुझसे कोई प्यार और ध्यान की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं अपना सारा ध्यान और सारा प्यार बस उसी को दूंगी। ओ, नहीं, 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 ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सबसे पहले मेरी माँ हो, उसके बाद दादी हो। चलो कोई बात नहीं माँ, मैं नियति से मिलके आता हूँ। मिलकर आ जाए नियति। अंगद, मेरा वो मतलब नहीं था, वो दादी बनने की खुशी पे बस मुंह से निकल गया बेटा। ये सही नहीं हो रहा है, बच्चे की बात सुनते ही मनोरमा जी के तो तेवर बदल गए, उनका दिल उनका प्यार फिर से अभिमन्यु की तरफ झुक रहा है। बाजी तब तक मेरे हाथ में है जब तक मनोरमा जी को मुझे खोने का डर रहेगा, और ये बच्चा मेरी बाजी पलटे इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। थैंक यू सो मच नियति, मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी देने के लिए, मुझे पापा बनाने के लिए नियति, थैंक यू सो मच। खुशी तो मैं तुम्हें तब देती जब तुम मेरा फोन पिक करते, तुम्हें गुड न्यूज मिली भी, वो भी उस अजीब अंगद से। ओ नियति, गुड न्यूज होती है कोई भी दे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इससे ज्यादा खुश मैं नहीं हो सकता, पर तुम हर बार मेरी जिंदगी में एक नई खुशी की वजह बन जाती हो नियति। I'm so happy. नियति, सोचो ना, एक नियति ने मेरे घर को इतनी सारी खुशियां दी, जब एक छोटी सी नियति आएगी तो मैं कितना खुश हूँ नियति। नहीं नहीं, मुझे छोटा अभिमन्यु चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे अभिमन्यु नहीं चाहिए, एक अभिमन्यु काफी नहीं है तुम्हारे लिए नियति, मुझे तो एक छोटी सी नियति चाहिए, तुम्हारी तरह क्यूट सी, प्यारी सी, जो हमें और हमारे परिवार को एक ढोर में बांध के रखे। देखना नियति, उसके आते ही हम और करीब आ जाएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसे कब गोदी में खिलाऊंगा नियति, कब उसका हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा नियति, वो मेरे हाथ से खाना खाएगी, तुम सोचो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैराथन नहीं, आराम से बीवी, आराम से संभाल के। और ये रागी के लड्डू ना खत्म कर दो, बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलो लो एक लो। बेटा पहला बच्चा तो मैके में होना चाहिए था, अब तो आ जाए यहाँ। देख सुलोचना बहू, भाई हम अपनी बहू को कहीं नहीं भेजने वाले, अगर चाहे तो मायका यहाँ आ जाए। और सुलोचना, तेरी बेटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मम्मी मैं कल आपको कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना।
क्या बात है दादी। माँ माँ, आप मेरी सास हैं और आप ही ने मेरी गोद भराई नहीं की। माँ, आपके बिना मेरी गोद भराई की रस्म कैसे पूरी हो सकती है? बच्चे को अपनी दादी का आशीर्वाद सबसे पहले चाहिए। रूम ठीक नहीं लग रहा तुम्हें? सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए डर लग रहा है। डर? नीति, मतलब किस बात का डर? हम अपने घर में हैं, सब अपने ही तो हैं। नहीं अभिमन्यु, सब अपने नहीं हैं। वो अंगद, वो जिस तरह से देखता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत सोच रहा है हमारे बारे में, हमारे बच्चे के बारे में। नियति, उस अंगद को तो तुम भूल ही जाओ, उसकी शक्ल ही ऐसी है, उसे ना हंसना आता है ना खुश होना होता है, भूल जाओ उसे। क्या वो नियति, सब ठीक है ना? दीदी भी अपना ओपिनियन देना चाहता है। अरे मेरी जान, तू जल्दी से बाहर आ जा। पता है, आई प्रॉमिस, तेरे पापा तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, और तेरे पापा और मम्मी तेरा हमेशा ध्यान रखेंगे, दुनिया की सारी खुशियां देंगे तुझे। तुम मम्मी पापा की धड़कन हो, हम तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे साथ हंसेंगे, बारिश में नहाएंगे, और जब तुम मिट्टी में गंदे होके आओगे ना, मैं तुम्हें पक्का नहीं डांटूंगी। आई प्रॉमिस। एंड आई प्रॉमिस, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। एंड आई प्रॉमिस, हम तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे। डॉक्टर, वैसे तो सब ठीक है ना? Everything is fine, don't worry. But है ना, कभी भी labor pain हो सकता है, so be prepared. Okay, आई। मना लो खुशियां जितनी मनानी है।
ये पानी भी ना बहुत काम की चीज है। ये पानी प्यास भी बुझाता है और आग भी, लेकिन आज ये पानी आग लगाएगा। अभिमन्यु और नियति की जिंदगी में ये बच्चे के आने की खुशी बच्चे के खोने के गम में बदलेगी, और ये पूरा घर नियति के रोने से गूंजेगा, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अभिमन्यु मेरी मेडिसिंस भी खत्म हो गई हैं। अभिमन्यु मैं गाड़ी निकलता हूं, इसे अभी हॉस्पिटल लेके चलना होगा। अभी